हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल शेयर यू माय क्विक रिव्यू अबाउट दिस पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर फॉर नॉन स्टिकी ग्लोइंग स्किन विद द हेलुरोनिक एसिड प्लस विटामिन ई। ओके, तो सबसे पहले इसके प्रोस की बात करते हैं, जो कि है इसकी पैकेजिंग। इसका प्राइस है 309 रुपये। तो 309 रुपये में आपको 147 ग्राम जो है जेल मिल जाता है। ऑनलाइन अगर आप इसको बाय करोगे तो आपको भी चीप रेट्स में मिल जाएगा, सेल वैसे भी चलती ही रहती है। कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। सो एज यू कैन सी, ये एक जेल कंसिस्टेंसी में है। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला है कि इसमें फ्रेग्रेंस है। हालांकि इसके इंग्रेडिएंट में आपको फ्रेग्रेंस ढूंढ के भी ना मिले, लेकिन मैंने इसको यूज़ किया है और इसमें वाकई अच्छी खासी फ्रेग्रेंस है। क्योंकि मैं फ्रेग्रेंस से इरिटेट हो जाती हूँ, तो इसलिए मुझे इस प्रोडक्ट ने नेगेटिव रिजल्ट्स दिए हैं। मेरे फेस में बहुत ज़्यादा बम्स हो गए थे, और फ्रेग्रेंस से क्योंकि इरिटेशन है, अगर आपको भी इरिटेशन है तो प्लीज़ इससे दूर रहना। सेकेंड जो है इसका डिसएडवांटेज वो ये है कि ये नॉन स्टिकी, जो इसमें लिखा है ऐसा कुछ नहीं है, ये स्टिकी है। ये पहली बात तो ये ऑब्जर्व ही नहीं होता, हाथ में ही ऑब्जर्व होने में काफ़ी टाइम लगा। ठीक है, वैसे ही फेस में आप लगाकर काफ़ी ज़्यादा आपको मसाज करनी पड़ेगी 2-4 मिनट, उसके बाद ये जो है ऑब्जर्व हो जाएगा, या फिर कहें कि ड्राई अप हो जाएगा। लेकिन अगर आप समर्स में अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हो, तो आपको पसीने जब आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है लगने वाला है कि ये नॉन स्टिकी है कि ये स्टिकी है। ठीक है, तो समर के लिए एक बेटर ऑप्शन नहीं है। साथ के साथ जो है इसको लेने की वजह, जो मैंने इसको क्यों लिया आखिरकार, तो फिर यूट्यूबर्स हो गए या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी ज़्यादा जो ये कह रहे थे कि इस प्रोडक्ट को लो, ये बहुत अच्छा है, जेल मॉइस्चराइज़र है, इसमें हेलुरोनिक एसिड है, विटामिन ई है। तो भाई आप लोग इन्फ्लुएंस मत हो। अगर आप फ्रेग्रेंस से अगर आप इरिटेटेड रहते हो तो आपको ये प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी स्किन जो है सेंसिटिव है, सेंसिटिव एंड ड्राई स्किन मेरी है, और मेरी स्किन को जो है इसने बहुत ज़्यादा भर भर के साइड इफेक्ट दिए थे। मैंने इसको 7 डेज यूज़ किया, शुरुआती 3 दिन में ही इसने मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप कुछ नया प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो आपको उसके कुछ डिसइंपैक्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन 10 दिन मैंने इसको दिए थे और 10 दिन में इसने कुछ भी अच्छा नहीं किया मेरे स्किन के साथ में। आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि इसके साथ मेरा कितना हॉरिबल एक्सपीरियंस रहा है। ऐसे प्रोडक्ट को बाय करने से पहले एक बार ज़रूर सोचना अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है, और अगर आपको फ्रेग्रेंस से दिक्कत है तो प्लीज़ ऐसे सामान से दूर रहना, क्योंकि पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में आपका नुकसान भी होगा। अब रही बात कि इतनी ज़्यादा क्रीम फिर खर्च कहाँ हो गई जब यूज़ ही नहीं किया, तो ऑफकोर्स पैसे खर्च किए हैं तो फेंक तो सकते नहीं हैं। तो इसलिए अब मैं इसको हाथ पैरों में लगा रही हूँ, एक बॉडी मॉइस्चराइज़र की तरह मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन फेस में मैं इसको भूल के भी नहीं लगाती। इवन अगर मैं हाथों में लगा रही तो फिर मैं हाथों को फेस पर लगाने से पहले भी मैं 10 बार सोचती हूँ, क्योंकि इस प्रोडक्ट ने मुझे इतना भयभीत कर दिया है। तो आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी YouTube इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में, किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में कोई भी सामान बाय मत करो, अपना स्किन कंसर्न देखो। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा सूट कर रहा होगा, रिजल्ट दे रहा होगा, तो ये बात मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आपको सूट कर रहा है वो अच्छी बात है। ये बात मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो लोग सेंसिटिव स्किन वाले हैं और जिनकी स्किन जो है फ्रेग्रेंस से इरिटेट हो जाती है, साथ ही साथ जिनकी ड्राई स्किन है, ड्राई एंड सेंसिटिव है जो लोग, ये उनके लिए है ये मैसेज कि आप लोग ऐसे प्रोडक्ट से दूर रहें, और ऐसे सामान पे पैसा डालने से पहले एक बार ज़रूर सोचें, क्योंकि हम इन्फ्लुएंस होकर सामान ले तो लेते हैं लेकिन बाद में नुकसान हमारा ही होता है, क्योंकि पैसे भी जाते हैं और स्किन में जो डिसइंपैक्ट जो निकलेगा वो भी हमें ही झेलना पड़ेगा। सो प्लीज़ ऐसे सामान से आप दूर रहें, और किसी भी इन्फ्लुएंसर की बात में आके कोई भी सामान ऐसे ना उठा लें। आई होप दिस रिव्यू विल हेल्पफुल फॉर यू।